हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आपका अपना इलेक्ट्रिशियन। आज हम बात करने वाले हैं इस सिंगल फेस मीटर की कनेक्शन आप कैसे करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये आप देख सकते हो, ये हमारी हो गई सिंगल फेस मीटर। इसमें कनेक्शन करने के लिए आपको चार टर्मिनल दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। इसी में हमें इनकमिंग की वायर और आउटगोइंग की वायर कनेक्ट करनी है। सबसे पहले हम मीटर में जो हमारी इनकमिंग वायर आएगी उसके लिए हम दर्शा लेते हैं एक पोल। इस पोल से हम इस मीटर के इनकमिंग वायर को लेके आएंगे और इस मीटर से जो आउट हमारी कनेक्ट होगी एक इलेक्ट्रिकल डीवी जो हमारे घर में रहती है या फिर घर में जहां पे भी हम इस मीटर की लोड वायर को कनेक्ट करेंगे इनकमिंग वायर बनाने के लिए, वो हो गई हमारी ये डीवी। इसमें हमारी मीटर की आउट कनेक्ट होगी। एक नंबर, दो नंबर पिन हमारी इनकमिंग की रहती है, तीन नंबर, चार नंबर पिन हमारी आउटगोइंग की रहती है। तो एक नंबर, दो नंबर में सप्लाई हम लेंगे पोल से और तीन नंबर, चार नंबर की पिन से जो वायर हमारी आउट होगी वो आएगी हमारी घर में। चलिए वायरिंग स्टार्ट करते हैं। ये हो गई हमारी पोल, इस पोल से हमारी आई फेस की वायर और ये फेस की वायर हमारी मीटर के एक नंबर पिन में कनेक्ट हो गई। और सेम इसी तरह से पोल से हमारी आई ये न्यूट्रल और मीटर के दो नंबर पिन में कनेक्ट हो गई। इतना करते ही मीटर की हमारी इनकमिंग वायर कंप्लीट हो गई। अब बारी आती है आउटगोइंग वायर की। तो मीटर के तीन नंबर पिन से हम लेंगे ये न्यूट्रल की वायर और घर में जहाँ पे हमारी ये मेन वायर जो डीवी लगी हुई है इसमें हम न्यूट्रल की जगह पे कनेक्ट कर देंगे। अब बारी आती है फेस वायर की। तो चार नंबर पिन से मीटर के हमारी ये फेस वायर निकलेगी और घर में आएगी जहाँ पे हमारी ये डीवी है, डीवी में फेस की जगह है, उस जगह पे हम फेस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इतना करते ही हमारी ये सिंगल फेस मीटर की कनेक्शन कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड में नए नए वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।